India becomes the fifth worst coronavirus hit country. It's really sad for us. And the most saddest part is that people are not showing any symptoms. There are some cases in which people have no symptoms, they have no clues what's going around them, and they have been tested positive about it. Kuch cases aise bhi samne aaye hain jahan pe logo mein kuch symptoms nazar nahi hai, par jab unhone apna test karaya to unhe covid positive nikla. Aur ye bahut zyada vichit karne wali baat hai ki symptoms nazar nahi aa rahe hain, logo ko pata nahi chal pa raha hai, they have no clue at all ki unke sath ho kya raha hai. और बाद में जब वो टेस्ट करा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोविड पॉजिटिव है. और ऐसे में ये हो जाता है कि सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि आपको पता नहीं है कि आप कोविड 19 है और आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं. चेन जो है हमें वो ब्रेक करना है, पर चेन यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है, चेन ब्रेक नहीं हो रहा है. माई ओनली मोटिव फॉर मेकिंग दिस वीडियो वॉज टू मेक यू पीपल अवेयर अबाउट इट दैट इट्स वेरी डेंजरस, सो प्लीज स्टे एट होम. युनिष्का क्या कहलाता है एक्ट्रेस मीना कुमारी भी कोविड 19 पॉजिटिव है और फैमिली के जो अदर मेंबर्स थे 7-8 मेंबर्स को हो गए क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं पता चला. और स्टार्टिंग में जब हो रहा था दे थॉट इट वाज द वेदर चेंज हो रहा है, मे बी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. पर बाद में जब उनकी मदर इन लॉ ने टेस्ट कराया तो कोविड पॉजिटिव निकली. बाद में फिर फैमिली मेंबर्स ने टेस्ट कराया तो उनमें से भी बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं. आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो, जितना हो सके उतना प्रिकॉशन ले. आई विल शेयर दैट वीडियो मोहिना कुमारी वीडियो. कुछ दिनों में केस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी बेड नहीं मिल पा रही है, बेड मिलना इतना मुश्किल हो गया. और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बेड मिल रही है बाई चांस तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है और ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है. आई एम शेयरिंग सम वीडियोज, प्लीज वॉच इट आउट, इट माइट हेल्प यू. आई मस्ट से कि फिजिकली इतना बुरा नहीं लगता है जितना मेंटली खराब लगता है. ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. तो माई मदर इन लॉ वॉज नॉट फीलिंग वेल, उन्हें फीवर हो गया था. एंड जब फीवर हुआ ऑब्वियसली हम सब वरिड थे. एंड नेक्स्ट डे देन आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. मुझे बहुत बॉडी एक हो रहा था, फटीग हो रहा था. एंड आई मीन देन ऑब्वियसली एवरीवन गॉट वरिड. फिर हमने एक फर्स्ट टेस्ट करवाया एंड उस फर्स्ट टेस्ट में नेगेटिव आया. सो आई थिंक वी थॉट के इट इज़ प्रॉबली बिकॉज ऑफ वेदर चेंज या ये वो. सो दैट इज द रीज़न why we thought ke we were free of covid and we got relaxed, but we didn't get relaxed for a very long time because my mother-in-law's fever was still increasing. So because unka fever matlab paracetamol khane ke baad bhi increase ho raha tha to hame laga ke maybe you never know that she's got it. To humne ek aur test karwaya aur wo second test jo karwaya usme fir hame pata chala that she is positive. फिर उसके बाद फिर सारी फैमिली का टेस्टिंग हुई एंड देन लॉट ऑफ पीपल केम पॉजिटिव. एंड ये हमें काफ़ी शॉकिंग लगा था, बट ऑफकोर्स मेंटली इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द टेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली मतलब ये हमारे घर में ही फैला, हमारी हमारे वजह से बाहर तो फैला नहीं. बट थैंकफुली के हमारे घर के और जो मेंबर्स हैं उनमें नहीं फैला और हमने ये चेन को ब्रेक कर दिया. सो दैट इज वन थिंग आईड रियली लाइक टू से. हाँ फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ. देन वी टेस्टेड पॉजिटिव देन दे टुक अस टू अ क्वारंटीन सेंटर. I'm sorry, I'm getting it wrong. जब हमारा टेस्ट हुआ तब हम ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटर में चले गए थे बिकॉज माई मदर इन लॉ वॉज ऑलरेडी टेस्टेड पॉजिटिव. एंड फिर हम वी वर वेटिंग फॉर आर रिपोर्ट्स, देन आर रिपोर्ट्स केम इन. व्हेन रिपोर्ट्स केम इन वी वर पॉजिटिव, देन वी वर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. एवरी वन ऑफ अस वॉज शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल. नाउ वाई आई रियली वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फीवर हो रहा है या आप जेन्युइनली बहुत सिक फील कर रहे हो या थोड़ा सा भी सिक फील कर रहे हो तो इट इज़ बेस्ट टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम एंड वरीइंग अबाउट इट. तो बेसिकली हमने वो चीज़ करी
करके हमने टेस्ट करा लिया, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द चेन, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपको कोविड हो जाता है तो ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट लीथल, क्योंकि डेफिनेटली आई हैड सिम्टम्स, माई मदर इन लॉ हैड सिम्टम्स, but it doesn't mean ke it's going to destroy your life. And at the same time, on the flip side, you have to break the chain because it affects old people a lot. It affects unko hospital name private hospital tha, unhone mana kar diya, wo kehte hain bed hi nahi hai, nahi le sakte. So everybody was trying their best to somehow get them admitted to jo us hospital private hospital mein kafi achhi position hold karte the. To unhone kaha ki main ek bed arrange kara dunga tumhare liye, lekin be ready टू पे हैविली. मैं कह सक भैया हाँ कर लेंगे हैविली, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि आपके पास फर्स्ट थॉट ही आता है यार इस वक्त जान बचाओ, पैसे की फिक्र मत करो. बट देन आई गोट टू नो, उन्होंने कहा, मैं कहा फिर भी भैया कितना लगभग, ही टोल्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट. आई एम अ कैप्टन, आई अर्न स्टिल ओके डिसेंट इनफ, कि आई थॉट कि आई एटलीस्ट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली मेम्बर वेन इट वुड कम टू देम. ही सेड इन ICU take it 1 lakh per day. बेड नहीं है हॉस्पिटल में इस टाइम, माँ के टाइम पे तो फिर भी कैसे मिल गया था एक बेड, फिर बच्चों के टाइम में नहीं मिला, और अब जो आज जो सिचुएशन है तो आप भूल जाओ आपको मिला.